बीजेपी ने बाकायदा अपने तमाम एमपीज को जो है व्हिप जारी किया था कि तुम्हें हाउस में रहना है और वोटिंग में हिस्सा लेना है। इसके अलावा कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, बहुजन समाज हो, समाजवादी हो, किसी ने भी जो है अपने मेंबरान एमपीज को व्हिप जारी नहीं किया था। और दुख की बात यह है कि जिस पार्टी से हम ताल्लुक रखते हैं उस पार्टी के जिम्मेदारान भी गैर हाजिर रहे और हालात इस तरह के हुए कि 20 मंदराने पार्लियामेंट में गैर हाजिर रहे, 5 कांग्रेस के हैं, 5 जो है बहुजन समाज पार्टी के हैं और इसी तरह राष्ट्रवादी के 2 हैं और तमाम पार्टियों के एक दो मेंबरान हैं। 20 की गैर हाजिरी और उसके बाद कुछ लोगों का वॉकआउट कर जाना और उसी के साथ कुछ लोगों का वोटिंग में हिस्सा न लेना तलाक सलासा बिल को पास करने का सबब बना। ये राज्यसभा में मंजूर हो गया और सदर जमहूरिया ने भी उस पर दस्तखत सख्त कर दिए। ये मुस्लिम परसनल्ला में खुली खुली मुदाखलत है, दस्तूर के खिलाफ है। जब ऐसे हालात के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिससे मेरा ताल्लुक रहा है अगर उसके जिम्मेदारान गैर हाजिर रहते हैं तो मैं इस बात को महसूस करता हूं कि मैं एक पैदाइशी मुसलमान हूं और पैदाइशी मुसलमान होने के साथ साथ मैं जमीयत उलमाए हिंद से ताल्लुक रखता हूं, दारुल उलूम देवबंद जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों की एक मजहबी यूनिवर्सिटी दीनी दरसगाह है, उसके रुकन शूरा होने की हैसियत से बहुत बोझ मैं अपने आप पर महसूस कर रहा हूं कि ऐसे हालात के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मेरा ताल्लुक रहा है और अगर ऐसे मौके पर जबकि हिंदुस्तानी मुसलमानों को उनकी जरूरत थी और जरूरत के मौके पर उन लोगों ने गैर हाजिर रह करके जिस तरह की सूरत हाल पैदा की है ये हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ देह है। इस वजह से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से दस्तबरदारी और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलाइदगी का और दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। आगे का जो भी मामला होगा पार्टी से अलाइदगी का वो प्रोसीजर के एतबार से मुकम्मल किया जाए। चुनाव लड़ना है तो राष्ट्रवादी का मुस्तफी होना पड़ता, तो ये तलाक सलासा बिल का एक बहाना तो नहीं ओढ़ लिया आपने? बात कैसी है कि मैं आइंदा किस पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा अभी तक फाइनल नहीं। अगर मैं एमआईएम से इलेक्शन लड़ने का फाइनल कर लिया होता तो आपका ये बोलना बिल्कुल हक बजानिब था कि मुझे ये सहारा न लेते हुए साफ साफ ये कहना था कि मैं एमआईएम से इलेक्शन लड़ने वाला था। लेकिन एमआईएम से इलेक्शन लड़ने की बात या वंचित अगाड़ी से इलेक्शन लड़ने की बात या आज़ाद कहो या तीसरे महाज से कहो, इस तरह हमने